लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद द्वारा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के तहत नुक्कड़ सभा के माध्यम से सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जानकारी दी है एवं नीतियों के लिए जागरूक किया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा लालकुआ पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा कर केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जानकारी दी गई और लोगों को उसका लाभ लेने हेतु जागरूक किया गया। वहीं लालकुआ में आयोजित अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा की नुक्कड़ सभा में कई अल्पसंख्यक मोर्चा के बड़े नेता पहुंचे। आपके बच्चे जो तालीम से बिल्कुल महरूम थे, उनको इस तालीम के धारे में लाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और एक जमाने से आज़ादी के बाद ही से मुसलमानों को कहा गया, इस देश में जब कभी भाजपा की सरकार आएगी तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा या फिर बड़े बड़े दंगे होंगे। तो हमने देखा, सबों ने देखा, न कोई बड़े दंगे हुए, न किसी एक मुसलमान को निकाला गया। मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को इसका लाभ हो रहा है। पहले के मुकाबले में अब लोगों में ये भेद खत्म हो रहा है, लोग धीरे धीरे जुटते चले जा रहे हैं। देश के लोग सारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद क्या अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए? इस प्रकार से हम कह रहे हैं, 400 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं और उनके संकल्प पूरा करने के लिए जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम विधानसभा है, जहां पर अल्पसंख्यक बहुत बड़े बड़े फसाद रहता है, जिस विधानसभा में अल्पसंख्यक रहता है, हम उनसे निवेदन करने के लिए निकले हैं 15 दिन तक लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। आने वाला कब्जे का शुभारम्भ संभाग कार्यालय हल्द्वानी से किया गया है, जिसका समापन विकास नगर में किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो हम एक संवाद के माध्यम से निकले हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले 2024 में जिस प्रकार से हम नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुमत के साथ अपना मतदान करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।